हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। ओके, तो इसके लिए मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट 2x इक्वल टू टी। ओके, अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या होगा, 2 इक्वल x का 1 हो जाएगा इक्वल dt अपॉन dx। ओके, तो यहाँ पर dx की क्या वैल्यू होगी हमारी, dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर 2x इक्वल टू t पुट किया है, तो हमने e टू द पावर t इंटू dx इक्वल क्या है हमारे पास, dt डिवाइड बाय 2। 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया है, e टू द पावर t इंटू dt। ओके, अभी देखें इसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t ही। ओके, और प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके, अभी हम t की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 2 e टू द पावर t, t की वैल्यू क्या है हमारी 2x, तो 2x प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।